हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में MBBS फ्रॉम किर्गिस्तान के बारे में बात करेंगे, जहां से काफी इंडियन स्टूडेंट्स MBBS परस्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया में स्थित है और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। किर्गिस्तान का एरिया अप्रोक्सीमेटली 1.98 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है और यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 7 मिलियन है। किर्गिस्तान की कैपिटल सिटी बिश्केक और ये इस देश की सबसे बड़ी सिटी भी है। इंडियन एम्बेसी भी बिश्केक में ही प्रेजेंट है। किर्गिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज किर्गिस है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन रशियन लैंग्वेज भी समझती है। ऑफिशियल करेंसी किर्गिस्तानी सोम है और इसका एक्सचेंज रेट यूजुअली 0.9 से 1.1 INR के आसपास रहता है। किर्गिस्तान का टाइम जोन GMT+6 यानी इंडिया से लगभग 0.5 आवर्स आगे है। इंडिया से ट्रैवल टाइम की बात की जाए तो दिल्ली से किर्गिस्तान अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 घंटे की फ्लाइट रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो MBBS इन किर्गिस्तान के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वही है जो कि MBBS अब्रॉड के लिए हम हर एक वीडियो में बताते हैं। नीट एलिजिबिलिटी और PCB मिनिमम 50%। अब MBBS कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। MBBS किर्गिस्तान में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 5 ईयर्स का रहता है। इसके अलावा NMC के नए गाइडलाइंस के हिसाब से आपको वहां से एडिशनल 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप भी करना जरूरी है। इससे आपका टोटल कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर्स का हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यूनिवर्सिटीज की तरफ। किर्गिस्तान में आज की डेट में 25 मेडिकल यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में। इन यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही है। स्टूडेंट्स मोस्टली बिश्केक, ओश और जलालाबाद जैसे सिटीज के यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन लेते हैं। ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस की बात की जाए तो किर्गिस्तान में ट्यूशन फीस जनरली अफोर्डेबल ही है। यूजुअली अराउंड 4 से 5 हज़ार US पर ईयर ही रहता है। होस्टल चार्जेस, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा जैसे एडिशनल चार्जेस भी रहते हैं। ये सब के अलावा आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी है जो कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल है। अब बढ़ते हैं आगे NMC गजेट की एप्लीकेबिलिटी की तरफ। MBBS फ्रॉम किर्गिस्तान का टोटल कोर्स ड्यूरेशन 60 मंथ्स है यानी 5 ईयर्स है। इसके अलावा 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप यहाँ से परस्यू की जा सकती है। कोर्स ड्यूरेशन और इंटर्नशिप के पॉइंट्स पर ये कंट्री एप्लीकेबल है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। और फाइनली कोर्स कम्प्लीशन के बाद यहाँ का लाइसेंस भी ऑब्टेन किया जा सकता है। अब बात करते हैं FMG रिजल्ट्स की। किर्गिस्तान के ओवरऑल FMG रिजल्ट्स की बात की जाए तो 2015 से 18 में 11.04, 19 में 19.79, 2020 में 10.68 और 2021 में 19.02% रहा है। बाकी MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशंस के कंपैरिजन में किर्गिस्तान से रिटर्न स्टूडेंट्स के FMG रिजल्ट सबसे कम आते हैं। इसीलिए हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि आप चाहे जो भी कंट्री सेलेक्ट करें, आपको उस कंट्री के बेस्ट और सबसे अच्छे यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन इज द की। फाइनली एडवाइजर रिमार्क्स एंड टिप्स। किर्गिस्तान भले ही एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है MBBS अब्रॉड के लिए, बट यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स के FMG रिजल्ट्स बाकी MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशंस के कंपैरिजन में कम है। इसके अलावा और एक चीज जो आपको जानना जरूरी है और वो ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज में ज़रूरत से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इनटेक भी लिया जाता है, जिससे एजुकेशन की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट गाइड MBBS इन किर्गिस्तान के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो हमसे कमेंट्स या सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। हमारी टीम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for more and informative videos. Stay tuned for our next video.